नमस्कार, मैं नितिन सोनवाल, कक्षा प्रथम विषय हिंदी, पाठिका भाग एक, अ की मात्रा का प्रयोग करना हम आज आपको बताएंगे। और ये जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो इन चित्रों में कोई न कोई अक्षर पर अ की मात्रा का प्रयोग होगा, इसलिए आगे मात्रा से बनने वाले शब्द का उपयोग करना मैं आपको आज को बताऊंगा। सबसे पहले जो चित्र है ये आपके सामने, आप इसको पहचान रहे हैं क्या? ये चित्र आईना का है, यानी शीशा, आईना। आ स्वयं में आ है, ई ना पर आ का डंडा लगा दिया हमने, ये आईना हो गया। पहले हम मात्रा का प्रयोग आपको पहले करा चुके हैं, तो आ, ये आ तो अपने आप में स्वयं आ है, तो इसकी जो मात्रा होती है ये डंडा होता है आईना। ये इसको पहचानना है क्या है? ये है अखबार, आ खा वहाँ पर आ का डंडा र, अखबार। ये आप देख रहे हैं तालाब है, ये मछली है और ये बत्तख जो है तैर रही है, इसलिए ये क्या है? तालाब। ता पर आ का डंडा, ला पर भी आ का डंडा आ गया, ब तालाब हो गया। ये क्या सब जान रहे हैं? आप देख रहे हैं इसको तलवार, ता ला वह पर आका की मात्रा आ गई र, ये तलवार हो गया। ये भैया बहन आप इसको पहचान पा रहे होंगे, ये चादर है। क्या? ये चादर, चाप है, आ की मात्रा धा रा, चादर। ये आप देख रहे हैं उपहार, किसी चीज का, किसी को हम जो है बर्थडे पर उपहार देते हैं, तो ये उपहार है। ओ प आ की मात्रा र, उपहार। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? गाजर, ग पर आ की मात्रा जा र, गाजर। देखो ये बहुत सारे सब्जी ये आपके सामने रखे हैं, तो इन सब्जी को मिला करके इसका नाम बनता है सलाद। ये मूली है, गाजर है और ये आपका टमाटर है, ये प्याज है, ये चकंदर है, ये खीरा है। तो ये सब को मिला करके हम जो है क्या कहलाते हैं? सलाद। सा ला पा का डंडा द, सलाद। ठीक है, तो अधिकतर आप जो देख रहे होंगे इनमें तीन अक्षर और चार अक्षरों का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ आ जाइए आप, ये क्या है? मा ला, मा पर आकर डंडा, फिर ला पर भी आकर डंडा, माला। ये क्या है? छाता, छा पर भी आकर डंडा, ता पर भी आकर डंडा, छाता। ये तारा, ता पर आके मात्रा, र पर भी आके मात्रा। ये नाक, न पर आ की मात्रा का, नाक। आम, आ मा, आम। यह का न, कान, का पर आ की मात्रा आ गई कान। ये भैया बहनों
क्या है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये क्या हो सकता है? ये भैया बिनो बादल, बा द ल, ब पर आ की मात्रा, द ल, ये आप देख रहे हैं, ये है था, ल पर आ की मात्रा, ताला। क्या ये? ताला। ठीक है, फिर देखिए आप, आ ई ना आ, आई ना, आ खा वा आ, वहाँ पर आ की मात्रा है, वा र अखबार, ता आ, ता में आ का आ की मात्रा है, तो आ हो जाएगा यहाँ पर, ता ता आ ला आ ब, क्या बोलेंगे इसको? तालाब। ता ला वा आ र, तो तलवार हो जाएगा, ता ला वा में आ की मात्रा है, तो वा बोलेंगे, र तलवार। चा आ, चा आ, आ यहाँ पर है नहीं लेकिन ये आ की मात्रा है, तो आ का उच्चारण हो जाए, चा, चा आ, चा द र, चादर। ओ पा हा आ र, उपहार। ग आ, गा ज र, गाजर। सा ल आ द, सलाद। सा ल आ, ल पे आ की मात्रा है, द, तो यहाँ जाएगा सलाद। अब मा आ, मा, ल आ ला, माला। छ आ छा, त आ ता, छाता। ता आ ता, रा आ रा, तारा। ना आ ना, क, नाक। आ म, आम। का आ का, न, कान। बा आ बा, द ल बादल। ता आ ता, ला आ ला, ताला। इस प्रकार से इनको बोलने का अभ्यास करते हैं। दोबारा आप देखिए एक बार, आईना, अखबार, ताला, तलवार, ये चादर, उपहार, गाजर, सलाद, माला, छाता, तारा, नाक, आम, कान, बादल, ये ताला। भैया बहनों, आपको इस समझ में आ गया होगा, आप इसको अच्छी तरह से अपनी पुस्तक में देखेंगे, इसमें दोबारा इसको याद करेंगे, और इसके मैं जो है आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा अन्य शब्दों से, उसको आप अपनी अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिख करके हमको भी फोटो शेयर कर देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।